डीएम की तानाशाही। अभी तो ये अंगड़ाई है, मेधपुर एसडीएम की तानाशाही, मेधपुर एसडीएम की तानाशाही, ये अंगड़ाई है। नमस्कार साथियों, मैं सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम उज्जैन के बृहस्पति भवन कलेक्टर कार्यालय के समक्ष खड़े हैं और ये यहाँ पर आप जो देख सकते हैं पत्रकार जो साथी हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और मेधपुर के पत्रकार और तराना के पत्रकार और अन्य जगह से भी पत्रकार लगातार यहाँ पर आ रहे हैं मेधपुर के एसडीएम केलाचंद्र ठाकुर की कार्यप्रणाली के खिलाफ। मेधपुर के एसडीएम जो केलाचंद्र ठाकुर हैं लगातार पत्रकारों से अभद्रता करने का लगातार उनका कार्य जारी है। वहीं जो कवरेज करने के लिए पत्रकारगण जाते हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है और झूठे प्रकरण पत्रकारों पर वहां पर उनके द्वारा लाद दिए जाते हैं। आज हमारे साथ ताराना और मेधपुर के समस्त पत्रकार साथी और हमारे बीच आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी इन लोगों के द्वारा की जा रही है, विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है वो हमारे सामने है। हमारे बीच मेधपुर से अनिल बैरागी जी हमारे साथ हैं। सर बताएं किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और क्या मामला है? कल से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, धरना प्रदर्शन जारी, अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिला या नहीं मिला, क्या मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो मामला मेधपुर एसडीएम केलाचंद ठाकुर का है, साफ तौर पर बोलना तानाशाही रवैया है जो इनका पत्रकारों से बदसलों की धमकी पर धमकी देना है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जूतों से दबाने तक की इनकी कोशिश जो लगे हुए हैं और साथ ही यहाँ तक कि अब इनकाउंटर की धमकी देने से परहेज नहीं कर रहे, तो ऐसा लग रहा है कि कोई पाकिस्तानी कोई बाहर से कोई नुमाइंदा इनको पूरा प्रमोट कर रहा है कि इस तरह से आप जो है हमारे हथकंडे अपना के और भारत में जो है मोदी सरकार या शिवराज सरकार में इस तरह से जो मीडिया को दबाओ और एक ऐसा मैसेज जो भारत में कहीं ना कहीं इस पर विस्फोट हो जाए, तो ये पूरी जो नीति है उनकी हमने जारी कर रखी है, तो इसको हम चलने देंगे क्योंकि हम पत्रकार हैं, संगठन है, जनता आवाम की आवाज़ है और हम इसको कभी तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक ये बात है आंदोलन की, तो ये सतत 25 दिनों से जारी है। हम 2 से 3 बार सतत कलेक्टर उज्जैन जो है आशीष सिंह जी उनसे मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन भी प्रेषित किया है, पूरी व्यथा बताई है। ज्ञापन के बाद में जिस तरह से वो बताया कि हमको सबूत दीजिए, सारे जो उनको उनके पटल पर देख रख भी दिए, बावजूद इसके आज भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कहते कलेक्टर साहब सुनवाई करने के लिए तैयार है और ना ही यहाँ पे जो उच्च अधिकारी है वो इस चीज़ को एविडेंस की आप बात करो, लगातार आपने सबूत भी दिए हैं, लगातार जब मीडिया के साथ कवरेज करने जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है और तमाम माध्यमों से हमें पता चला है लगातार जो इलेक्शन काफी मेहनती रहती है, वो पत्रकारों से वसूली करते हैं और लगातार उनकी दिनचर्या में लगता है यही है, तो इसके खिलाफ आप कल से देखें प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक आपको आश्वासन दिया है? सबसे बड़ी बात यह है कि कल से हम सतत जारी हैं इस आंदोलन के, रात भर भी नहीं सोए, सुबह से बैठे भीगते पानी में, आप भी देख रहे हैं कि अभी भी सड़क पर ही बैठे हुए हैं, हमारी हालत देख रहे हैं, एक दो पत्रकारों की हालत भी खराब है, बीमार की कगार पर आ गए, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है वो आंखें मूंद बैठा है। जहां तक बात करें कि इस आंदोलन में यहां के जो एडीएम हैं वो ज़रूर आए थे, संतोष टैगोर जी, उन्होंने साहस भी बनाया था कि आप कैसे भी करके एसडीएम से जो है बात करके ने इसका बात का समस्या का हल निकाली है और मैं आपको जो है पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि आप किसी भी तरह से मेधपुर एसडीएम केलाचंद ठाकुर के द्वारा कोई भी चीज़ जो है आपके सामने नहीं आएगी, ना मैसेज आएंगे, ना ही उनके द्वारा फ़ोन आएंगे, ना ही उनके सहयोगी को आपको परेशान करेंगे, ना ही 110 की कार्रवाई होगी, ना ही झूठे प्रकरण बनाए जाएंगे। बावजूद इसके 1 घंटे बाद उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के कार्यालय बाबू केलाचंद ठाकुर एसडीएम के द्वारा फ़ोन आता है हमारे पत्रकार साथी को और फ़ोन के बाद में एक मैसेज आता है एक नोटिस को लेके, तो वही उनने धमकी भरा नोटिस फिर से भेज दिया। अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एसडीएम जो है केलाचंद ठाकुर जो उनके उच्च अधिकारी एडीएम शिवराज सरकार किसी की भी नहीं मान रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर हमें और उग्र आंदोलन की जरूरत होगी और अगर हो सकता है तो ऐसा लग रहा है कि अब एक दो पत्रकार साथियों के बलिदान से ही ये पूरा मामला शांत हो तब जाके शिवराज सरकार जागेगी। हिटलर सही रवैया की जो बात करी है उन्होंने, इस तरीके से हिटलर सही रवैया एडीएम मेधपुर ने यहाँ पर करिए हमारे साथ लगातार धरने पर कल से इस धरने को सफल बनाने में पत्रकार साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। सर क्या पूरी दिनचर्या यही होती है एसडीएम की? एसडीएम साहब का दिनचर्या क्या है कि तानाशाही पूरा करते हैं, जिनको उनके पक्ष में बातें करें या उनके खनन की बात मत करो, लकड़ी काटने की बात मत करो, या कहीं मेधपुर में कोई अवैध धंधा चल रहा है उसकी बात मत करो, अगर पत्रकार इस तरह की कोई आवाज़ उठाते हैं तो उन पत्रकारों की आवाज़ दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, 110 की कार्रवाई की जाती है, कि दो जिनसे प्रकरण दर्ज है उनको भी
110 की कार्रवाई करा जाता है, 716 की जाती है और 151 की धमकियाँ दी जाती है। और जिस दिन से हमने यह आवेदन कलेक्टर साहब को दिया है, जब से ही वहाँ से धमकियाँ भरे फोन हमारे पास अभी भी आ रहे हैं, रीडर के द्वारा फोन लगा रहे हैं, रीडर के द्वारा मैसेज पहुँचाए गए जा रहे हैं, आप अगर धरना खत्म नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे, 110 मैं जेल पहुँचा दूंगा, मैं तुम्हारा घर परिवार बर्बाद कर दूंगा, घर पर जैसे भी चलवा दूंगा, अतिक्रमण हटवा दूंगा तुम्हारा, इस तरह की हर तरह के उनके दबाव बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद हम दो दिन से यहाँ डटे हुए हैं। माननीय महोदय ने 10 तारीख को हमको समय दिया था, 10 दिन में हम काम कर देंगे, 10 दिन में हमारा कोई सलूशन नहीं हुआ, ना कुछ ऊंचा अधिकारी ने कोई संज्ञान में लिया है, इसलिए हम आज मजबूरन होकर पत्रकारों को सड़कों पर धरना पर बैठना पड़ा। ये जैसा कि बताया इन्होंने कि लगातार 110 की, 116 की और 151 की कार्रवाई लगातार SDM के द्वारा की जा रही है और हमारे बीच में तराना से प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं अखिल बोड़ाना जी, वो धरने का समर्थन करने के लिए तराना से साथियों के साथ पूरी टीम को लेकर आए हैं। जयपुर में जो घटना क्रम चल रहा है, लगातार SDM द्वारा पत्रकारों को दबाने पर काम किया जा रहा है, लगातार प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन कल से इनका जारी है, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी जागा नहीं है, तो आपने यह समर्थन आगे दिया साथियों के साथ क्या लगातार SDM ठाकुर द्वारा लगातार धरना पर बैठना पड़ा। ये जैसा कि बताया इन्होंने कि लगातार 110 की, 116 की और 151 की कार्रवाई लगातार SDM के द्वारा की जा रही है और हमारे बीच में तराना से प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं अखिल बोड़ाना जी, वो धरने का समर्थन करने के लिए तराना से साथियों के साथ पूरी टीम को लेकर आए हैं। जयपुर में जो घटना क्रम चल रहा है, लगातार SDM द्वारा पत्रकारों को दबाने पर काम किया जा रहा है, लगातार प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन कल से इनका जारी है, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी जागा नहीं है, तो आपने यह समर्थन आगे दिया साथियों के साथ क्या करें। लगातार जयपुर SDM तिलासी ठाकुर द्वारा लगातार पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर मैथुन के पत्रकार द्वारा कल दोपहर 2 बजे से धरने पर बैठे थे। पूर्व में भी मैथुन के पत्रकारों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा अभी तक इनकी सुनवाई नहीं की गई है। कल भी उनके द्वारा ADM साहब को पहुँचाया गया, वो महोदय खुद उपस्थित नहीं हो पाए और उन्हीं का समर्थन के लिए आज हम तराना से पूरी टीम को लेकर उपस्थित हुए हैं और यही मांग करते हैं जल्द से उनको बर्खास्त करें और यहाँ से तराना से कहीं भी उनको पहुँचाया जाए, मैथपुर से कहीं भी स्थानांतरण किया जाए। ये थे तराना के प्रेस क्लब के अध्यक्ष और इन्होंने भी बताया कि हमने मैथपुर के जो पत्रकार साथी हैं उनका समर्थन किया है और लगातार यहाँ पर पत्रकारों की जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में उज्जैन और अन्य तहसील से अन्य विधानसभा क्षेत्र से पत्रकारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी उनका एक ही लक्ष्य है कि जब तक जयपुर SDM कैलाश चंद्र ठाकुर के खिलाफ कलेक्टर आशीष से कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, जब तक ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा, चाहे पानी आए, बरसात हो या कुछ भी अन्य गतिविधि हो, ये यहाँ पर डटे रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक।